तो हे माय डियर इग्नू वालों, प्यारो स्टूडेंट्स, तो चलिए एक नई वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज एक बहुत बहुत अच्छा वीडियो का टॉपिक मुझे याद आया। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे और बहुत सारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, एक रात में पढ़ के, एक बार में पढ़ के ऐसे करके 99% मार्क्स लाए। ऐसा हो तो सकता है अगर आपका पढ़ने का दिमाग हो, लेकिन सच्चाई की जो मेन मुख्य बात यह है कि इग्नू कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में कितना अच्छा लिखने पे फुल मार्क्स नहीं देता। ये इग्नू की एक बहुत हार्ड ट्रूथ है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो आप ये बात पहले एग्ज़ाम देने के बाद जान जाएंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप उसमें में हो सकता है आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो कि आप अच्छे से अच्छा लिखने के बाद भी आपका बैक आ जाए। तो ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो आपको इग्नू के हर एग्ज़ाम में फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिखना है। ये नहीं सोचिएगा कि 1000 वर्ड्स या 500 वर्ड्स या 100 वर्ड्स लिखा है तो आपकी कहानी वहाँ पे ख़त्म हो गई। वो आपको बहुत अच्छी बड़ी सी कॉपी देता है जिसको आपको फिल करने में के लिए पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए, भले ही आप कभी भी फिल उसको ना कर पाए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पेजेस होता है। और हमेशा इस बात का ध्यान दें कि जब भी आप एग्ज़ाम लिखे हो तो एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ ना हो, मतलब कि आप अपने काटा पीटी ना करें और जो एग्ज़ाम के आंसर है वो बुक के ही हो, आपके मन में क्रिएट हो। भले ही आपने वो सब्जेक्ट 50 बार पहले क्यों नहीं पढ़ा हो, लेकिन जो बुक में जिस तरीके से आंसर को बताया गया है आप उसी तरीके से आंसर लिखे, जिस कारण से आपको बहुत होगा बैक लगता है और आप लोग फिर ये बात बोलते हैं कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम लोग ने अच्छे से अच्छा लिखा और अच्छे से अच्छा आंसर दिया, अच्छे से अच्छी राइटिंग में पूरा लिखा। उसके बाद भी इग्नू की अगर आपको बुक देता है या आपको कंटेंट देता है, ई कंटेंट देता है, कोई भी वे देता है और उस पर अगर उसकी बुक है तो आपको उसके रिलेटेड ही उसके हिसाब से आंसर बनाना है। उसके टॉपिक्स को ध्यान रखना है, उनके टाइटल्स को ध्यान रखना है, उनकी हेडलाइंस को ध्यान रखना है और उसके बाद ही फॉलो करना है। यानी हेडलाइन लिखे और फिर खटर 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 अपना कुछ भी रामकथा दे दिया उसमें, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं। ऐसा तो आप लोग बचपन में क्लास 5-6 में कर दो तो चलो आप लोग पास हो जाओगे, लेकिन ये ग्रेजुएशन लेवल की बात हो जाती है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की बात हो जाती है, जिसलिए इग्नू को अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए आपको बहुत अच्छे से बैग लगाना पड़ता है। सो अपना 200 रुपया बर्बाद ना होने दे। आज की डेट में तो यही फीस है February 12, 2023 में, बाद में आप पता नहीं वीडियो कब देख रहे हो तब फीस कितनी हो। सो अपने 200 रुपये वेस्ट ना करें, और ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है जिसके थ्रू आप 99%, 100%, 90%, 80% तक नंबर पा सकते हो। मैक्सिमम 65-70%, 75%, इससे ऊपर नहीं जाता नंबर इग्नू का कभी भी। आप लिखोगे पूरा, आप बहुत अच्छा लिखोगे, बहुत अच्छी राइटिंग लिखोगे, पूरा आंसर लिख दोगे, बुक से छाप दो तब भी नहीं मिलेगा। फिर वैसे इग्नू का कुछ है ही सिस्टम जो इग्नू फॉलो करता है, जिसके थ्रू वो थोड़ा सा मेंटेन किया जाता है अपनी इमेज को। सो गाइस, कभी भी कुछ भी हो जाए इन चक्करों में मत फंसिएगा जो फेक होते हैं लोग कि एक नाइट में हम ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे, कभी बिलीव मत कीजिएगा इन लोग पे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है इग्नू में। ये सब बहुत मिथ है इन सब के बारे में कि एक रात में पढ़ के ऐसा हो जाएगा, ये वीडियो देख लो तुम पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सो बस पढ़ाई ही एकमात्र जरिया, और आपका सही वे से पढ़ाना, सही वे से लिखना, सही वे से एग्जाम्स और उसके असाइनमेंट और सारे इंस्ट्रक्शन उसका फॉलो करना, यही आपको एक बहुत अच्छा लेवल से आपको पास कराएगा बहुत अच्छे मार्क्स से। और कोई प्रॉब्लम हो इग्नू से रिलेटेड तो आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी आइडियाज दी गई है। आप अगर मुझे प्राइवेटली मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड के एक नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, सो फेक चक्कर के चक्कर में मत पड़ना, सब्सक्राइब करके यहीं बैठे रहना, हमसे जुड़ जाना। सो गाइस मिलते हैं, टाटा बाय बाय, एक नेक्स्ट वीडियो।